बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। चुनावी समय में आप समय निकाल के आए, मीडिया के सभी साथियों का, बहनों का धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप सबको जानने में दिलचस्पी है कि कल मुलाकात हुई थी, बिल्कुल, उसके बाद हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पर जा रहे हैं, कहाँ से लड़ने वाले हैं, ये सब चीजें आपके मन में। मैं भी दो दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भी अपनी चीजों को फाइनलाइज कर रहा था, क्योंकि आदमी जो जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है, तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें, हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है, तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी, सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को, 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहां हूं, 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए, उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इसमें इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत सुख से। भरपूर प्रयास किए गए क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है, पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से सर्वकास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे, आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार उतार के घूमते हैं सारे में, तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने, इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पर बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो, और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी दो दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पर हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता जिन्होंने जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया था, मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है दलित समाज, पसमांदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग जिसकी इतनी संख्या भरी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किसके कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं, चंद्रशेखर की टीम ने चलाया, हमने नहीं चलाया, मुझे चलाया। और मैं उन साथियों से कह रहा हूं कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो मना करके चलाया, स्पष्ट कीजिए हो रहे नहीं हो रहे, काफी सारी बातें कह रहे, नाम लेके नाम लेकर स्टेटमेंट क्लियर कीजिए सर, आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए मैं फिर कर जी क्या बात कह के पा रहे थे, मैं यही कह रहा हूँ ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर, फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी, वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई हैं, आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए। वो तो इसमें रोज दलित वंचित आपकी क्या मांगे थी उनसे जिनको उन्होंने नहीं माना? स्पेसिफिक अभी भी नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक स्पेसिफिक लाइन क्लियर बिल्कुल की क्या हुआ है सर? नहीं, ये है कि अखिलेश जी के ऊपर मैंने कल जिम्मेदारी छोड़ी थी वहां से आने के बाद कि आप तय कर लें कि आप हमें गठबंधन में चाहते हैं चाहते, क्योंकि बात सीटें और ये सब चीजें कई मायने रखती हैं। कल हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार बन जाए, तो उसमें उनमें हमारे हितों की रक्षा होगी या नहीं होगी, कुछ मुद्दों पे वो जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पे नहीं करेंगे, तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे, कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे, और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहां नहीं है तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं, क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है लंबे समय से, कितने मामले हुए हैं, और अखिलेश जी चुपके साबित करते हैं कि उन्होंने वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों के खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहां सबको बराबर की हिस्सेदारी सम्मान है अवसर है, वहां वो भी जिस तरह खेल कर रही है, मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई, एक सवाल आपसे ये है, चंद्रशेखर भाई देखिए ये पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, एक छोटा सवाल, बस एक, दो दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना? मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और कभी भी दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमांदा पे, कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएम के एनआरसी का मामला हो, मैं पहला शख्स था जो जेल गया, नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मैंने, मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे, आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात कर, तो कहने से नहीं चलेगा। तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे, अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई है, हमने मुकदमे झेले हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, सीएनपीआर एनआरसी का मामला हो, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पर लड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने लोगों के हितों की रक्षा में स्वयं करनी पड़ेगी, मैं
25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूँ, उनको मैं अपमानित करने के लिए, मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूँ ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की। मैंने कल उनके पाले में छोड़ी थी, उनका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि वो दलितों का नेतृत्व और दलितों के हितों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाद हो सकता है वो स्टेटमेंट देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हमने तो सबके देखे। प्रधानमंत्री भी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे जो है 15-15 लाख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देश बेच दिया। तो बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर अलायंस बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ। अब क्या करेंगे आगे? दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि है, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूँ, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर तमाम तरह समस्याओं पर चुप हो जाऊं, मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा हुआ विपक्ष है उसको एकजुट करें, अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पर रहेंगे। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये मेरा, कांग्रेस मायावती, मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी सबसे पहले प्रयास किया, वो हमारी नेता बड़ी है कि उनके साथ एक गठबंधन, मैंने खूब प्रयास किया, मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे जेल सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2-2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति दर की, मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना क्योंकि मुझे पता कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। चंद्रशेखर भाई पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी नहीं लगा, आपको प्लेन 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि कद बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं गठबंधन किया गया? मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या है? अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे देश प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 22-23 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़ के आपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ? लेकिन मेरा प्रयास ये था क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का, कि बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज समझ, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप हत्या हो, हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना आदर्श क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़े। रावण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहे हैं? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए मैं सत्ता की, मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, सत्ता का मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे थे, मैं आंदोलन लड़ रहा था 2 जनवरी को भोपाल में, जो पिछले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनका आरक्षण जहाँ खत्म किया गया था, सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। अभी आपने सर एक महत्वपूर्ण बात कही, ये विपक्ष को एकजुट करेंगे तो वो कौन लोग होंगे जिनको आप एकजुट करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी लोगों नाम लेके बताइए सर, नाम लेके क्या कह रहा हूँ। अब आप अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा किसी भी आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीट? और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलकर वो करेंगे, हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह से छुटकारा मिले, और हम लड़े 5 साल, किसी का मामला हो, उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4-4 दलितों की हत्या की जाती, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4-4 दलितों के सामने, 2 उसकी माँ उस बच्ची के साथ हत्या होती है,
आपने कुछ सीटों की मांग की थी क्या क्लेशेस की? बात हिस्सेदारी की है, जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी हिस्सेदारी। आपको वो तीन सीटें शेखर भाई आपको तीन सीटें दे रहे थे हमारी जानकारी है, और उसमें दो सीटें कर रहे थे आप उनके सिंबल पे लड़िए। मैं क्या कह रहा हूँ ये आप उनसे पूछेगा दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। अरे भाई टीवी 9 का आखिरी सवाल, अरे भाई टीवी 9 का आखिरी सवाल ये है कि आप किसको अप्रोच करेंगे, प्रियंका जी को, बहन जी को, या फिर अगर बात नहीं बनती तो अकेले कितनी सीटों पर लड़ेंगे? मैंने कहा कि मैंने हमेशा प्रयास किया, लेकिन लड़ाई जो है ना यहाँ इस प्रदेश में महिला सुरक्षा की है, लड़ाई इस प्रदेश में हक अधिकार की है, लड़ाई इस देश में बुनियादी है, मुद्दों की राजनीति है। मैं धर्म और उसकी राजनीति में नहीं जाता हूँ कभी, लड़ाई मुद्दों की राजनीति और मुद्दों पे बात नहीं होती। प्रियंका जी के साथ जाएंगे, आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो गई है ऐसी चर्चा पॉलिटिकल करते हुए, तमाम इस तरह से आपने स्टैंड रखा है, सपा के लीडरों का भी स्टैंड है, क्या कब उनकी राजनीति पर पहुंचे जो बात की जा रही है कोई अधिकता? मुझे बस इतना बताइए कि विधायक बनने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है, उसकी सीमा क्या है बताइए? मैं किस सीमा हूँ आप बता रहे, पत्रकार है ना, बता रहे क्या सीमा होती है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए? मैं एक बड़े समाज को बिलोंग करता हूँ और मेरे मुझे चिंता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इंडिविजुअल राजनीतिक मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं तो जिसको नेता मानता हूँ उन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, मैंने उनको बड़ा भाई कहा और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, लेकिन लड़ाई प्रतिनिधित्व की है, हिस्सेदारी की है। आपके ऐलान समाज के लोग किससे भीख नहीं मांग रहे सर, आपके ऐलान के बाद अगर अखिलेश जी का फोन आता है तब आप क्या करेंगे? अभी आपने कहा अखिलेश जी ने फोन नहीं किया, अगर आपके ऐलान के बाद अखिलेश जी का फोन आता है तब आप क्या करेंगे? फोन नहीं किया ना, जिनको जिम्मेदारी लगाई थी उनके साथ बात नहीं की है। दरवाजे बंद हो चुके हैं क्या आपकी तरफ से समाजवादी के लिए? राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, जो लोग एक दूसरे खिलाफ मुकदमा कराते हैं वो भी साथ लड़ जाते हैं। मेरा प्रयास ये है कि एक मजबूत आप विपक्ष बनता जो बीजेपी को रोकता, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। आप बताओ उनके पास अभी कोई दलित समाज के कोई पार्टी लीडर है क्या? मेरे आज के बाद शायद वो किसी पत्थर करने लगा। आप दलित समाज मुस्लिम समाज की बात करते हैं क्या, वो इसी के साथ आएंगे? आप अकेले हैं, एक और 11 होते हैं, वो इसी के साथ जाएंगे? जो कुछ होगा आज 2 दिन का समय आपसे लिया है, उसके बाद अपनी बात आपसे रखेंगे, लेकिन कभी भी दलित समाज के सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ना उनके सम्मान से जो है ना खिलवाड़ करने दूंगा। मैंने विश्वास किया कि हम इस बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम है और हम जो बिखराव फिर से उसको इकट्ठा करेंगे, एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।